ब्रो 3-3 ग्रैंड मास्टर ब्रो, वाओ ड्रीम कंप्लीट ब्रो, 3 ग्रैंड मास्टर ब्रो। माइनस माइनस कब तक माइनस होगा? अरे भाई बहुत गुस्से में लग रहे हो भाई तुम। SGH मैं नहीं बताऊंगा। नहीं भैया नहीं, ऐसी कोई बात, वो तो वैसे ही लिख दिया, एक दो माइनस लगता है तो गुस्सा आ जाता है। हाँ दुख तो अरे होता भाई ग्रैंड ब्रो मास्टर पे, दुख ब्रो तो होता है ब्रो, भाई। हाउ क्यों? डू आई केम रूम ब्रो? व्हाट? आई विल सेंड यू रिक्वेस्ट। ओके ओके सर, सेंड इट। यस हाँ जी एंड हाँ डन जी, डन डन। तो भाई मतलब ये चीज है कि भाई क्या स्ट्रेटेजी आपकी रहने वाली है, क्योंकि ये तो ड्रीम था भाई ग्रैंड मास्टर पे। तुम 33,000 स्कोर भाई, मतलब दिन रात खेलते हो भाई। हाँ नहीं नहीं अरे नॉन स्टॉप भैया, तुम हमारी मजे ले रहे हो किसी और के ले रहे हो? मजे नहीं ले रहे भाई सच में यार। 33,000, 18,000 स्कोर भाई, इतना मैंने नहीं देखा। मैं तो भाई हीरोइक भी नहीं गया हूं। देखो अरे भाई डायमंड पे हूं भाई मैं सच में। ओपी भाई ओपी। तो स्ट्रेटेजी मतलब पूरे दिन खेलते हो? कितने घंटे खेलते हो भाई आप लोग? हम लोग खेलते हम हैं तो ट्वेंटी फोर क्लास अठारह ट्वेंटी घंटे सेवन तीस घंटे 12 घंटे, वही तो बोल रहा हूँ भाई, फट जाती यार इतने घंटे खेलते हुए। अच्छा कितने वो टॉप ओप मैं टॉप 196 नंबर पे हूँ एसजीएच। SGH? अरे भाई साहब, तो मतलब मेरे को लग रहा है अभी तो 1 लाख इस बार बंदे टच कर सकते हैं स्कोर नहीं ग्रैंड मास्टर का। हाँ हो हो जाएगा, इस बार तो हो जाएगा। जाएगा भाई। पहले तो मतलब 1,20,000-30,000 से ऊपर नहीं लगता था ना, चल झूठा मतलब बारह नहीं हजार लगता तेरह था, हजार से। होता था, अभी हो जाएगा पक्का। चलो भाई तो देखते हैं, लग रहा है तुम लोग चड्डी फाड़ने वाले हो प्लेयर्स की आज। तो मैं रूम बनाता हूँ जल्दी से, ठीक है? आप लोगों को ऐड ठीक करता है हूँ, ठीक बना, है? ठीक है भाई, ठीक ओके ब्रो। सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज एक होने वाला है बहुत ही अमेजिंग सा चैलेंज। चैलेंज ये है कि दो तरफ है गाइस खतरनाक प्लेयर्स, यानी कि स्पीड के बादशाह आप लोग बोल सकते हो, तूफान और बेंडर। बट उनके अगेंस्ट में 6 प्लेयर हैं। बट कौन है वो प्लेयर्स मैं बता देता हूँ गाइज। प्लेयर है ग्रैंड मास्टर प्लेयर, यहाँ पे एक प्लेयर है 71 लेवल है, 18,000 से भी ऊपर स्कोर है भाई। सेकंड पे CSL ब्रोकन, इस प्लेयर का 20,000 से ऊपर स्कोर है गाइज। थर्ड प्लेयर बात की जाए तो 73 लेवल है भाई इसका, 29,000 से ऊपर स्कोर है। ग्रैंड मास्टर प्लेयर्स हैं सभी प्लेयर यहाँ पे भाई। इस प्लेयर का तो लेवल ही 77 है और स्कोर भी 33,000 से ऊपर। और ये प्लेयर PC प्लेयर है गाइज, और इनका भी स्कोर है 20,000 से ऊपर। बात करते हैं अब अपने लास्ट प्लेयर की, TGB रोमियो, 82 लेवल, 42,000 लाइक्स, और इनका जो गाइज स्कोर है वो 21,000 से ऊपर है। मतलब सारे प्लेयर्स एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, और अकाउंट से ही पता चल रहा है हम लोगों की 70, 75, 80 लेवल के प्लेयर्स हैं। और तो देखते हैं भाई कैसा ये लोग खेलने वाले हैं, और बेंडर तूफान के अगेंस्ट में कैसा खेलने वाले हैं गाइज। 2v6 ये गेम होने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, और देख रहे गाइज ओनली 7 राउंड से, आप लोगों को बताना चाहूंगा ओनली 7 राउंड से। सो लेट्स गो फॉर द फर्स्ट गेम, क्या होने वाला है इस गेम में। एलिमिनेट यहां पे हो चुका हूं तूफान यहां पे आगे बढ़ते हुए, और एक तरफ यहां पे वेंडर। वेंडर की बात की जाए तो वेंडर के पास है डेजर्ट ईगल फर्स्ट राउंड में, बट जो स्पीड रहती है वो कमाल रहती है भाई। चारों तरफ यहां पे शॉट्स लगा रहे, इधर भी उधर भी, कैसा यहां पे खेलने वाले। बट स्पीड देख रहे, अरे भाई 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 स्पीड देख रहे हो बंदे की। मेरे को लग रहा है तूफान यहाँ पे लपेट देंगे गाइस। क्या लगता है UMP से तूफान यहाँ पे लपेट सकते हैं प्लेयर्स को? और दोनों की जबरदस्त गाइस, कमेंट करके मेरे को बताना कि कौन सा प्लेयर ज्यादा फास्ट आप लोग लगता है, तूफान या फिर बेंडर। ओके एक प्लेयर को नॉकडाउन भी कर दिया भाई, कौन से प्लेयर ने यहाँ पे हेडशॉट लगाया भाई 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 भाई। और लेकिन गाइस हेडशॉट यहाँ पे तूफान, 2-3 प्लेयर्स को यहाँ पे नॉक कर चुके हैं। क्या UMP से पहला राउंड निकालने वाले? ये स्पीड के साथ यहाँ पे एक्यूरेसी भी चाहिए होगी, और मेरे को लग रहा है रिवाइव दे सकते हैं, रिवाइव यहाँ पे दे सकते हैं। रिवाइव दे दिया तो काम बन जाएगा, ठीक है अगर रिवाइव यहाँ पे दे दिया तो काम बन सकता है। बट M4A1 भी चल रही है भाई सामने से, और फिनिश कर दिया भाई। नहीं बेंडर तो अभी भी बचे हैं, एक किल। अच्छा बेंडर ने वो हेडशॉट लगाया था, प्रॉब्लम में है यहाँ पे तूफान, को जोन में जाना पड़ेगा गाइस। ये मतलब एक तरह से बहुत जबरदस्त मैच होने वाला है, क्योंकि जो सामने स्क्वाड है वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर्स की है। क्या 2v4 में यहाँ पे 2v6 में सॉरी 2v6 में क्या डिफीट यहाँ पे कर पाएंगे तूफान के सामने? अब यहाँ पे 2 ही प्लेयर बचे हैं, और राउंड इसलिए मैंने कम किए क्योंकि यार मैं चाहता हूँ आप लोगों को अनकट वीडियो दूँ। पिछली वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था,
और ये वीडियो भी कुछ इसी टाइप का होने वाला है, ओनली यहाँ पे 7 राउंड। कौन सी टीम यहाँ पे बाजी मारने वाली है, थोड़ी सी प्रॉब्लम, हालांकि इन प्लेयर को जरूर, ओ भाई जबरदस्त, थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे इन प्लेयर्स को जरूर होगी, क्योंकि जो भी प्लेयर अगर एडल में यूज करता होगा तो इतने कॉइन नहीं मिल पाते हैं, मतलब स्टार्टिंग राउंड में। तो लास्ट प्लेयर यहाँ पे बचे गए भाई, एलिमिनेट ना हो जाए वो प्लेयर, एलिमिनेट ना हो जाए। 97 का यहाँ पे हेडशॉट पड़ा है, बट और तूफान ने फिनिश कर दिया, पेंटो किल यहाँ पे, 5 किल यहाँ पे फर्स्ट राउंड में लगा दिए, और 1 किल यहाँ पे हुआ है गाइज बेंडर का, तो फर्स्ट गेम में यहाँ पे बाजी मार ली है गाइज। तो एक और राउंड यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, दोनों प्लेयर्स यहाँ पे आ चुके हैं। तूफान की बात की जाए तो AWM यहाँ पे ले चुके हैं, तूफान के पास इस बार AWM यहाँ पे आ चुके हैं भाई, और बेंडर देखती आते ही यहाँ पे एक प्लेयर को नॉकडाउन यहाँ पे कर दिया ठीक है, एक प्लेयर को बेंडर यहाँ पे नॉक कर चुके हैं। क्या ये वाला राउंड भी अपने नाम यहाँ पे करने वाला है भाई, मतलब क्या ही बोलूं भाई, स्पीड देख के भाई, क्या हवा हवा में बंदों को मार रहे भाई, और इस प्लेयर को भी हेडशॉट, एक क्या जंप मार के बंदा लेट गया, लोल क्या हुआ भाई, बंदा लेट गया, मेरे को लग रहा है उसमें थोड़ा फोकस कस्टम मूड उसका सही नहीं हो पा रहा भाई। एक और प्लेयर को नॉक कर दिया भाई, यार स्पीड को देखते हुए तो मेरे को लग रहा है मैं पागल हो जाऊंगा, बट बेंडर यहाँ पे नॉक हो गया, तूफान पे फिर से यहाँ पे जिम्मेदारी आ गई है, दो ही प्लेयर यहाँ पे बचे हैं यार, दोनों प्लेयर को मैं अच्छे से दिखा भी नहीं पा रहा हूँ। ओके आई थिंक इसको फिनिश ऑफ कर देंगे, बट दो प्लेयर्स अभी भी बचे हैं जी गाइस, बेंडर को यहाँ पे रिवाइव दे दिया गया, और मेरे को लग रहा है वो बाकी प्लेयर्स वो अपने प्लेयर को भी रिवाइव ना देने लग जाए भाई, उनको तो मैं नहीं दिखा सकता 2v6 में। बेंडर यहाँ पे हिल करते हुए, तूफान आगे बढ़ते हुए, यार बीटीबी वाले बंडल में बड़े अच्छे यहाँ पे लग रहे हैं। लास्ट प्लेयर को बेंडर ने फिनिश कर दिया है, स्कोर यहाँ पे हो चुका है 2-0 भाई, धाराशाही यहाँ पे कर दिया आते ही, स्टार्टिंग के दोनों राउंड्स अपने नाम। अरे बस कर भाई, पागल कर दिया, पिता छोड़ दे। तो गाइस यहाँ पे एक और राउंड यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, डबल AWM के साथ है यहाँ पे तूफान, बट बेंडर को मैं देखना चाहूंगा यार, जो बेंडर की स्पीड है लिटरली यार वो इनसेन है भाई। ओके बेंडर आगे पीछे अरे भाई प्रॉब्लम यहाँ पे थोड़ा होता हुआ, बट तूफान को देख लेते। ओके अरे भाई साहब बेंडर यहाँ पे नॉक हो गए, और मेरे को लग रहा है अब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने वाली है। ओ भाई क्या हेडशॉट मारे इस बार दोनों प्लेयर्स ने, अमेजिंग। तो गाइस पिछले राउंड में तो भाई क्या ही जबरदस्त हेडशॉट यहाँ पे लगाए हैं भाई, बहुत ही प्यारे, और एक और राउंड में यहाँ पे आ चुके हैं भाई बेंडर के काफी क्लोज यहाँ पे प्लेयर, और भाई लिटरली ग्लूवल ग्लूवल ब्रेक करके भाई, ये बंदा क्या चाहता है भाई, अरे अरे भाई 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 देखना होगा गाइस, एक प्लेयर को तो यहाँ पे नॉक कर दिया, बट थोड़ा सा संभल के यहाँ पे खेलना होगा, क्योंकि 6 प्लेयर हैं, फाइट सिर्फ यहाँ पे 1 या 2 प्लेयर से नहीं है, 6 प्लेयर से यहाँ पे फाइट है। तूफान को भी यहाँ पे डैमेज पड़ रहा है, बेंडर यहाँ पे हील करते हुए, हील यहाँ पे कर चुके हैं दोनों, अरे भाई साहब ओके भाई कुछ भी हो सकता है, आधे प्लेयर तो शूट ही गलत कर पा रहे हैं, क्योंकि बेंडर वहां से निकल ही जाता है, जिधर वो फायर करना स्टार्ट करते हैं वहां से पहले ही निकल जाते हैं। एक और प्लेयर को यहाँ पे नॉक डाउन कर दिया, बट गाइस बट बेंडर भी यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, और अब सारी जिम्मेदारी यहाँ पे तूफान के कंधों पे है गाइस, 1v3। तूफान को देख लेते भाई, शॉटगन नहीं है बट UMP है यहाँ पे तूफान के पास, बेंडर को रिवाइव करने का मेरे को लग रहा है इस बार कोई चांस तो यहाँ पे नहीं बनने वाला है, कोई चांस यहाँ पे नहीं बनने वाला है, बट 1v3 अगर यहाँ पे निकाल देते हैं तो बहुत ही ओपी रहने वाला है, क्योंकि यार आने वाले राउंड्स का कुछ नहीं पता, आपके पास लिमिटेड राउंड्स है, सिर्फ 7 राउंड्स है, और आप लोग 4 राउंड यहाँ पे जीत के ये गेम भी अपने नाम कर लेना है। ओके अरे भाई साहब 2-3 शॉट्स यहाँ पे ट्राई किए थे बट कनेक्ट ही नहीं हो पाए, और मेरे को लग रहा है प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तूफान भाई ओ भाई भाई अब थोड़ा सा मुश्किल में, बट जो स्पीड दिखाई है भाई दोनों प्लेयर ने वो लिटरली जबरदस्त, नेक्स्ट लेवल थी। ग्लूवॉल यहाँ पे लगा दी गई है, और तूफान यहाँ पे नहीं निकल पाएंगे, एलिमिनेट यहाँ पे हो गया, स्कोर हो चुका है 2-0 गाइस, आ चुके हैं यहाँ पे हम लोग एक और राउंड में, और देखते भाई क्या कुछ होने वाला है भाई, क्योंकि स्कोर हो चुका है 2-0। स्टार्टिंग के 2 राउंड में काफी जबरदस्त गेम प्ले यहाँ पे दिखाया था, उसके बाद यहाँ पे 2 राउंड थर्ड वाला तो एक तरफा ही रहा था, जाते ही दोनों प्लेयर को हेडशॉट, और बेंडर के लिए यहाँ पे थोड़ी सी पिंक का भी यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है, इतना हाई पिंक यहाँ पे,
और पिंक के साथ आगे पीछे भी यहाँ पे चल रहे हैं। बट लेट्स सी, एक प्लेयर को तूफान ने यहाँ पे नॉक डाउन कर दिया। चलिए तूफान को देख लेते पहले। तूफान के ऊपर यहाँ पे दो प्लेयर रन जरूर कर रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पे खेलने वाले तूफान, भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा कौन से प्लेयर को यहाँ पे दिखाऊं भाई, क्योंकि दोनों प्लेयर जैसी यहाँ पे दोनों प्लेयर की स्पीड है। और बेंडर भी एक प्लेयर को यहाँ पे नॉक कर चुके हैं। जी गाइस, बेंडर भी एक प्लेयर को नॉक कर चुके हैं और आई थिंक ये प्लेयर भी यहाँ पे फंस सकता है। पूरा स्प्रे यहाँ पे नई यूएमपी का हम लोग देखने के लिए मिल रहा है। ओ भाई साहब, जबरदस्त यहाँ पे यूएमपी का हेडशॉट यार। बट इनका जो गेम प्ले ना वो पागल कर देने वाला है भाई। भाई अरे भाई भाई भाई, लिटरली नेक्स्ट लेवल। यहाँ पे दो प्लेयर बच गए। ये भी को बेंडर को देख लेते हैं। बेंडर और तूफान यहाँ पे, तूफान आगे बढ़ते हैं गाइस। मतलब यार कमेंट करके जरूर बताना गाइस आप लोग कौन सा प्लेयर यहाँ पे फास्ट लग रहा है, कौन सा प्लेयर जबरदस्त लग रहा है। एक ही प्लेयर बचा है, कब फिनिश कर दिया है पूरे स्क्वाड को। लास्ट प्लेयर कास्ट में लास्ट प्लेयर को दिखा पाता उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ये सिक्स वाले में। अरे भाई ओके, तूफान को यहाँ पे हेडशॉट जरूर लगाया था उस प्लेयर ने, और बट बेंडर ने फिनिश ऑफ कर दिया। स्कोर यहाँ पे हो चुका है गाइस 3-2। गाइस देखो राउंड में आ चुके भाई, अगर ये राउंड यहाँ पे जीत जाते हैं तो इस गेम में यहाँ पे बाजी मार लेंगे। बट चुनौती वो भरा रहने वाला है भाई। जी गाइस, चैलेंजिंग तो रहने वाला है क्योंकि वहां पे भी प्लेयर्स काफी जबरदस्त है। शॉटगन यहाँ पे ले चुके, अंदर की बात की जाए तो शॉटगन यहाँ पे ले चुके गाइस। और किल्स का भी मेरे को अभी नहीं पता चल रहा है किसने कितने किल किए, वो तो देखते हैं भाई। ओ भाई एक और प्लेयर को, एक और क्या इस राउंड में, तो पहला ही प्लेयर नॉक हुआ है। बट बेंडर बैक टू बैक नॉक पे नॉक निकाल रहे हैं भाई। हर राउंड में हम लोगों नॉक यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। इस बार भी पहला नॉक यहाँ पे निकाल लिया और जंप करके आगे की तरफ आई थिंक। एक और प्लेयर को भाई, लिटरली भाई जो भी गन ये बंदा चला रहे है, एक और हेडशॉट। लेट्स सी भाई जिस तरीके से हेड पैड यहाँ पे लगा रहे हैं ना। okay. और स्पीड के साथ यहाँ पे अब दो ही प्लेयर बचे हैं, मेरे को लग रहा है ये गेम यहीं पे फिनिश होने वाला है। जी गाइस, ऐसा मेरे को लग रहा है कि ये गेम यहीं पे फिनिश होने वाला है। और एक और प्लेयर को यहाँ पे नॉक डाउन कर दिया है और बेंडर ने यहाँ पे फिनिश कर दिया ये गेम यहाँ पे। बुया यहाँ पे कर दिया गाइस ग्रैंड मास्टर के स्क्वाड के अगेंस्ट। और लिटरली मेरे को लगा नहीं था कि इतना इजी ये गेम हो जाएगा। 4-2 से यहाँ पे बाजी मार लिया। 16 किल्स यहाँ पे 7 राउंड के अंदर बेंडर ने यहाँ पे लगा दिया भाई 16 किल्स। ओके और गाइस यहाँ पे बात की जाए तो 11 किल्स यहाँ पे तूफान के हैं, 16 किल्स यहाँ पे बेंडर। तो आई होप गाइस आप लोगों को मजा आया होगा, और जो भी आप लोगों के नए चैलेंजेस हो तो वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल गाइस। सारे बंदे एक साथ लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर देना। तो गाइस बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।